तो अब कंटिन्यू करते हैं विद अवर फिफ्थ लेक्चर ऑफ द टॉपिक। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने मिरर फॉर्मूला के ऊपर दो सॉल्व एग्जांपल देखे थे एनसीईआरटी के, और ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको कहा था कि आप सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट इज फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया गया 32 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ यहां पर कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर। सेकंड इज अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, मतलब अगर ऑब्जेक्ट की हाइट x सेंटीमीटर है तो इमेज 3 गुना है, मतलब 3x उसकी हाइट होगी, ठीक है। एंड लास्ट है रियल इमेज है ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट को रखा है आपने 10 सेंटीमीटर पे। तो सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, दिस इज द कॉनकेव मिरर, और ये ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां से 10, तो मान लीजिए ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है दिस इज 10 सेंटीमीटर, यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। अब जो इमेज बन रही है वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट अगर इतनी है तो इमेज उससे 3 गुना बन रही है। तो ये पूछा कि इमेज है कहां पे? अब देखो, इमेज का पोजीशन का मतलब है आपको यू दिया गया है यहां पे और वी आपको निकालना है। तो यू दिया गया है -10 सेंटीमीटर और वी आपको कैलकुलेट करना है, मैग्निफिकेशन 3 है, तो m को अगर आप लिखेंगे तो m की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक है, मैग्निफिकेशन 3 है, पर जो मैग्निफिकेशन है आपकी इमेज रियल है और साथ में कैसी है, इन्वर्टेड, ठीक है ना। तो अगर आप लिखेंगे h डैश अपॉन h, तो h डैश कितना है 3x, h कितना है x, और ये जो इमेज आ रही है इमेज बनेगी इन्वर्टेड, क्योंकि कॉनकेव मिरर में जब भी रियल इमेज बनती है वो इन्वर्टेड ही बनती है, ठीक है। तो मान लीजिए कहीं यहां पे ये इमेज बन रही है इन्वर्टेड, तो ऑब्वियसली इसके लिए जो 3x ये हाइट लिखी जाएगी, ये -3x लिखी जाएगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, ठीक है। तो मतलब m की वैल्यू बेसिकली हमारे पास कितनी आ रही है, -3। अब m का फॉर्मूला और क्या होता है, -v अपॉन u, तो -v अपॉन u को क्या लिखना हमने, -3, तो इससे v कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स u। अब u की वैल्यू कितनी है, -10, तो यहां से v आ जाएगा -30, तो इमेज कितने डिस्टेंस पे है, टोटल यहां से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, -30, क्योंकि ये पोल से लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैंने थोड़ा ज्यादा आई थिंक डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू -v अपॉन u, u अगर -10 है तो v की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -30, तभी जाके आपके पास मैग्निफिकेशन 3 आएगी, ठीक है, और -3 इसलिए क्योंकि इमेज हमारी इन्वर्टेड है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है और बहुत सारे डे टू डे हमारे ऐसे आसपास हमारे फिनोमेना होते हैं जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है कि कभी भी आपका मूड किया, चलिए आज गाड़ी को स्विमिंग पूल में धोते हैं, ठीक है, तो अगर आप इतने समझदार हैं तो क्या होगा, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि गाड़ी की जो टोटल हाइट है वो पानी से नीचे वाला जो पार्ट है उसकी कम लग रही है, टायर कुछ ज़्यादा फ्लैट लग रहे हैं, ठीक है, मतलब आपको लग रहा है कि पानी बहुत गहरा नहीं है, ठीक है। और ये आपने स्विमिंग पूल्स में या किसी भी छोटे मोटे तालाब में ऑब्जर्व किया होगा कि जितनी गहराई आपको दिखती है रियलिटी में गहराई उससे ज़्यादा होती है। तो क्यों ऐसा होता है कि वाटर बॉडीज हमें थोड़ी शैलो दिखाई देती हैं, ठीक है, उनकी गहराई कम क्यों दिखाई देती है, तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड है। सेकंड, यहां पर एक पेंसिल को हमने पानी में रखा है, अब इस इंटरफेस पे जो वाटर एयर इंटरफेस है उस पे आप देख सकते हैं कि पेंसिल ऐसा लग रहा है टूटी हुई है, ठीक है, उसकी पोजीशन जो है वो थोड़ी
डिस्प्लेस हो गई है, राइट साइड में शिफ्ट हो गई है। ये शिफ्टिंग क्यों है? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है वो उसकी वजह से आपको पेंसिल दिख रही है कि यहाँ से लाइट आ रही है। अब पानी के अंदर जो पेंसिल का पार्ट है वो थोड़ा राइट में शिफ्ट हो गया है, इसका मतलब अब जो लाइट आ रही है वो लाइट भी थोड़ा राइट से आ रही है। तो मतलब पानी में जाने पे क्या लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है? अगर होती है तो ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा हमेशा होता है? ठीक है, क्या पानी की जगह हम इसको इसकी जगह कोई और मीडियम होता, कैरोसिन ऑयल होता या कोई और ऑयल होता, ठीक है, तो तब भी क्या ऐसा होता? और अगर इतनी ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होती पेंसिल की या इससे कम होती, ठीक है, तो वो सारी की सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर दिस इज़ द मिराज इफेक्ट। मिराज इफेक्ट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब गर्मियाँ होती हैं तो आपने देखा होगा कि रोड्स पे अगर बहुत दूर से गाड़ी आ रही है तो गाड़ी की ही इमेज उस पर दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर बहुत गर्मी है, ठीक है, ऑब्वियसली डेजर्ट है, रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में जो रेत होती है बहुत गर्म होती है, तो ये जो ऊँट यहाँ पर चल रहे हैं इनकी इमेज हम रेत के ऊपर देख सकते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पानी पड़ा हुआ है, पर पानी तो नहीं है, ठीक है, रेगिस्तान में तालाब तो यहाँ नहीं है। तो इसका क्या रीज़न है, ये ऐसी इन्वर्टेड इमेज क्यों बन रही है? ठीक है, और दिस पिक्चर, अब ये ज़्यादा रिफ्रैक्शन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड तो नहीं है, बट इट इज़ जस्ट यूनिक पिक्चर जो मुझे मिली, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्विमिंग पूल के अंदर लोग घूम रहे हैं और फोटोग्राफी कर रहे हैं। ठीक है, इट्स अ फेक स्विमिंग पूल। यहाँ पर क्या किया, एक स्विमिंग पूल जैसा कमरा है, उसके टॉप पे ग्लास की शीट है, ग्लास के ऊपर इन्होंने 4 या 5 इंच पानी रखा हुआ है, तो पानी की वजह से इफेक्ट ऐसा लगता है कि ये पूरा नीचे तक पानी ही है और लोग पानी में खड़े हुए हैं। ठीक है, सो दैट्स अ गुड थिंग। ये जो इफेक्ट है ये भी बेसिकली क्यों दिखाई दे रहा हमें, क्योंकि इसमें भी कुछ रिफ्रैक्शन का तो रोल है, कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसमें कुछ तो चेंजेस आते हैं। एंड दिस पिक्चर इज़ अ वेरी गुड आइडिया अगर आपका अपने घर के बैकयार्ड में एक स्विमिंग पूल बनाने का कभी भी विचार हो, सो यू कैन डेफिनेटली टेक सम डिज़ाइन आइडियाज़ फ्रॉम दिस इमेज। तो अब मूव करते हैं टुवर्ड अवर फर्स्ट सिनेरियो, के लाइट को जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ले जाते हैं तो होता क्या है। तो पहला केस, चलो आपको मैं एक सिचुएशन देता हूँ, मान लीजिए आप एक लाइफगार्ड हो, ठीक है, तो यहाँ पर कोई आदमी स्विमिंग कर रहा था बी पोजीशन पे, और दिस पर्सन इज इन डिस्ट्रेस, ये डूब रहा है और ये हेल्प हेल्प चिल्ला रहा है। अब आप क्या करोगे, अब आपको जाके इसको बचाना है। अब आप ए पोजीशन पे हो, ये पर्सन बी पोजीशन पे है, तो पहली चीज़ लगती है कि यार जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तो ये ए बी पाथ है, ठीक है, तो इसी पाथ पे दौड़ा जाए और जल्दी जल्दी जाके उसको बचाया जाए। पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अगर, ठीक है, क्योंकि ऐसे टाइम में दिमाग ज़्यादा चलता नहीं है, बट अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको लगेगा कि इतना डिस्टेंस पानी में तैरना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, तो हम रेत पे ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं, पानी में उतना तेज़ तैर नहीं सकते, तो इट्स बेटर कि ज़्यादा डिस्टेंस रेत पे कवर किया जाए, मतलब ज़मीन पे कवर किया जाए। तो अगर आप थोड़े इंटेलिजेंट हैं तो आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे इस पाथ के थ्रू, क्योंकि आप दौड़ फास्ट सकते हैं तैरने की जगह, और पानी वाला जो पार्ट है तैरने वाला वो डिस्टेंस आप कम करेंगे। तो ये जो पाथ है इसको मैं पाथ 2 लिख देता हूँ, दिस इज द पाथ 1। तो यहाँ से क्लियरली पता लग रहा है कि पाथ 2 बेसिकली ज़्यादा लंबा है, बट स्टिल इससे आप जल्दी बी पोजीशन तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब वो कि हमेशा जो शॉर्टेस्ट पाथ दिखता है वो शॉर्टेस्ट होता नहीं है, ये दिखाई दे रहा है, पर आप इसमें सबसे कम टाइम पे नहीं पहुंच सकते इस आदमी तक, पर पाथ नंबर 2 से आप जल्दी पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा डिस्टेंस उस मीडियम में कवर कर रहे हैं जहां पर आपकी स्पीड ज़्यादा है, आपकी स्पीड ज़मीन पे ज़्यादा है, ठीक है। अब यही टास्क इन महाशय को दिया जाए, ठीक है, दिस इज़ अ वेरी
क्यूट एनिमल दिस इज सील, ठीक है, सील करने वाला सील नहीं, पानी में तैरने वाला सील। तो ये क्या करते हैं, ये इस तरह से तैरते हैं। अब अगर यही काम सील को दिया जाए तो वो कौन सा पाथ यूज करेगा, ठीक है, अगर उसको ए से बी पे जाना है, सील का काम है एज ए लाइफ गार्ड काम करना, अब वो कौन सा पाथ चूज करेगा, क्या वो स्ट्रेट लाइन जाएगा या वो इस दूसरे पाथ से जाएगा या कोई और पाथ सोचेगा। तो अभी आप वीडियो पॉज करके एक मिनट के लिए सोच के इसका जवाब दो। तो आपने सोच लिया, तो देखते हैं कितने बच्चों ने सही सोचा है। अब सील की जो एफिशिएंसी है, ये ज़मीन पे दौड़ नहीं सकता पर ये पानी में बहुत तेज़ तैर सकता है, तो ये ट्राई करेगा कि पानी में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया जाए और ज़मीन पे कम। तो इसका एफर्ट क्या रहेगा कि मान लीजिए हम ए से ज़मीन पे कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और पानी में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो ये पाथ फॉलो अगर करता है सील तो ये जल्दी पहुँचेगा बी तक, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही लाइट के साथ भी होता है, लाइट को जब भी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, ये यहाँ पर लैंड है, ये हमारा वाटर है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रेज एंटर करती हैं तो लाइट रेज थोड़ी सी बेंड होती हैं, ठीक है, मुड़ती हैं। अब किस तरफ मुड़ेंगी और मुड़ती कैसे हैं, जो आपका परपेंडिकुलर होता है उस पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है, हर पॉइंट पे जहाँ पर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही हैं उस परपेंडिकुलर के रिस्पेक्ट में या तो वो परपेंडिकुलर की तरफ मुड़ती हैं या परपेंडिकुलर से बाहर की तरफ मुड़ती हैं। तो दिस बेंडिंग इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है, क्या इफेक्ट, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। अब मुड़ेंगी किस तरफ और क्यों मुड़ेंगी, क्योंकि लाइट रेज को भी ए से बी पहुंचना है कम से कम टाइम में, दे वॉन्ट टू टेक द पाथ ऑफ लीस्ट टाइम, उनको डिस्टेंस नहीं चाहिए कम, उनको लीस्ट टाइम वाला पाथ फॉलो करना है, ठीक है। तो वो उस मीडियम में ज़्यादा लंबा ट्रेवल करती हैं जिसमें उनकी स्पीड ज़्यादा है, और जिस मीडियम में उनकी स्पीड कम हो जाती है उसमें वो छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करने की ट्राई करती हैं, जैसे लाइफगार्ड ने यहाँ पर लैंड पे ज़्यादा रन किया और पानी में कम तैरा, ठीक है, सील ने लैंड पे कम डिस्टेंस ट्रेवल किया पानी में ज़्यादा किया। तो लाइट का काम भी ये होता है कि ए पॉइंट से बी तक पहुँचना तो है पर लीस्ट टाइम में, तो उसका जो पाथ होगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ ही हो, ओके। तो ये एक केस हो गया। अब दूसरा केस यहाँ पर लेते हैं, देखिए यहाँ पे हम ए पॉइंट पे हैं, अब ए पॉइंट से अब आपको सी पॉइंट पे जाना है, पहले हमारे पास एयर है, फिर बीच में ग्लास है, फिर एयर है। अब ए और सी को कनेक्ट करने वाला एक पाथ आपके पास ये है, स्ट्रेट लाइन, पर स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, एयर से ग्लास में एंटर कर रहा है और ग्लास से फिर जब बाहर एयर में जा रहा है फिर से मीडियम चेंज हो रहा है। तो जब भी लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती हैं, ठीक है, या एग्जिट करती हैं, तो उनमें कुछ बेंडिंग होती है। अब देखिए लाइट की स्पीड एयर में ज़्यादा होती है, जैसे जैसे मटेरियल ज़्यादा डेंस होता जाएगा उसकी स्पीड कम होती जाती है, तो लाइट एयर में ज़्यादा ट्रेवल करती है फास्ट, ग्लास में थोड़ा स्लो। तो लाइट ट्राई करेगी कि एयर में ज़्यादा ट्रेवल किया जाए, तो ये थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस एयर में ट्रेवल कर रही है और अब बेंड हुई, ठीक है। अब देखो बेंडिंग कैसे हुई, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे समझना। अब यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, अब देखिए ये दो यहाँ पर परपेंडिकुलर्स हमने ड्रॉ कर दिए, अब ये लाइट इस तरह से जानी चाहिए थी पर ये मुड़ी किसकी तरफ, टुवर्ड द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ी है, तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बोल सकते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है नॉर्मल और इसके बीच में, ये एंगल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है, ओके। तो ये ग्लास में कम डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहती है लाइट रे, अगर ये सीधा जाती तो इसको ग्लास में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता, अभी ये कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है,
ठीक है, और फिर जब ग्लास से वापस एयर में आ रही है, तो देखो अब एंगल नॉर्मल के साथ ये है और बाहर निकलने पे नॉर्मल के साथ एंगल ये है, तो एंगल चेंज हो रहे हैं, मतलब देयर इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे, लाइट चेंजेस डायरेक्शन। सो हम बोल सकते हैं कि ऑल्दो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स इन अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल, तो ट्रांसपेरेंट मटीरियल में लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बट इट चेंजेस डायरेक्शन एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम्स। एंड दिस बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। सो दिस इज योर डेफिनेशन, ये आप याद कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 10.7। तो इससे हमें एक आइडिया मिलेगा कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है और इसके आप इसको कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हो कि रिफ्रैक्शन हो रही है। देखिए, फर्स्ट इज प्लेस अ क्वाइन एट द बॉटम ऑफ अ बकेट फिल्ड विद वाटर। तो एक बकेट लेके उसमें पानी डाल दें और उसमें क्वाइन डाल दें। तो ये येलो कलर यहाँ पर क्वाइन हमने डाल दिया है इन अ बकेट फिल्ड विद वाटर। सेकेंड पॉइंट, विद योर आई टू अ साइड अबव वाटर ट्राई टू पिकअप द क्वाइन इन वन गो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक ही बार में इस तरफ देखते हुए, ठीक है, टू अ साइड अबव वाटर, तो पानी के ऊपर वाली जो साइड है वहाँ देखते हुए आपने क्वाइन को एक ही बार में उठाने की या निकालने की ट्राई करनी है। ठीक है, रिपीट द एक्टिविटी। नाउ पहली थिंग, डिड यू सक्सीड इन पिकिंग अप द क्वाइन, क्या आप पहली बार में क्वाइन निकाल पाए? जनरली ऐसा नहीं होगा, आप पहली बार में क्वाइन नहीं निकाल पाओगे। रीजन बीइंग के आपको जो पानी में क्वाइन की पोजीशन दिख रही है वो आपको पोजीशन दिखेगी ऑलमोस्ट यहाँ पे। ठीक है, तो आप हाथ डाल के यहाँ से क्वाइन को निकालने की ट्राई करोगे, जबकि क्वाइन रियलिटी में थोड़ा नीचे है, तो आपको जो उसकी अपेरेंट पोजीशन दिखाई दे रही है वो थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है, तो पहली बार में आप नहीं निकाल पाओगे। सेकेंड टाइम आप थोड़ा और नीचे ट्राई करोगे, ठीक है, और सेकेंड टाइम आप निकाल लोगे। तो ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड एक्टिविटी 10.8, प्लेस अ लार्ज शैलो बाउल ऑन अ टेबल एंड पुट अ क्वाइन इन इट। ठीक है, अब सेकेंड एक्टिविटी ये ज़्यादा इफेक्टिव है। अब आपने एक लार्ज बाउल लिया, जैसे ये बाउल लिया हमने, यहाँ पर एक क्वाइन इसमें डाल दिया। मूव अवे स्लोली फ्रॉम द बाउल। अब क्या करना है आपको, थोड़ा धीरे धीरे दूर जाना है। स्टॉप व्हेन द क्वाइन जस्ट डिसअपीयर्स फ्रॉम योर साइट। तो अभी अगर हम बात करें तो मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, ठीक है, आपकी आइज और क्वाइन से आने वाली जो लाइट है ये डायरेक्टली आपकी आइज तक पहुँच रही है, तो आपको ये विजिबल है। ठीक है, अब आप थोड़ा और पीछे जाएंगे, तो थोड़ा और पीछे जाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पे, तो अभी भी क्वाइन से डायरेक्टली आपकी आइज पे लाइट आ सकती है, मतलब दोनों कांटेक्ट में है, एक स्ट्रेट लाइन में है, तो अभी भी आपको क्वाइन दिखाई देगा। तो अभी थोड़ा और पीछे जाएंगे, ठीक है, या हम देखते हैं कि क्वाइन से जब तक इस पॉइंट से ऊपर स्ट्रेट लाइन जाएगी तो यहाँ आपको ये विजिबल रहेगा, इवन यहाँ तक आपको ये विजिबल रहेगा, पर इससे थोड़ा पीछे अगर आपकी आइज चली जाती हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको ये भी स्टिल विजिबल है, पर अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो अब क्वाइन से आने वाली जो लाइट है वो यहाँ पर बकेट से टकरा के आगे निकल नहीं पाएगी, तो अब आपको विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो अब इस पोजीशन पे अगर हम ट्राई करें कि आपको क्वाइन को देखना है, तो दोनों को कनेक्ट करना हो तो आपको ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो ये लाइन मेरे ख्याल से यहाँ पे जस्ट ये ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएगा, तो बकेट की वजह से आप इसको नहीं देख पाएंगे। तो ये पोजीशन है जहाँ पर आपको क्वाइन दिखना बंद हो जाता है। अब आपको क्या करना है, अब आस्क अ फ्रेंड टू पोर वाटर जेंटली इनटू द बाउल विदाउट डिस्टर्बिंग द क्वाइन। तो क्वाइन डिस्टर्ब ना हो, धीरे धीरे इसमें पानी आपको ऐड करना है। ठीक है, तो पानी आपने धीरे धीरे डाल दिया इसमें,
अब क्या होगा, अब सडनली आप देखेंगे कि पहले आपको कॉइन नहीं दिख रहा था उस पोजीशन से, पर अब आपको कॉइन दिखना शुरू हो गया। ठीक है, अब देखो होगा क्या उससे। तो यहां से अब आपको कॉइन की जो पोजीशन दिखाई देती है वो कैसे है, मान लीजिए इस पॉइंट से दो रेज हम डालते हैं, तो ये एक रे रिफ्रैक्ट होके यहां पर बेंड हो रही है आपके आइज पे जा रही है, और ये दूसरी रे यहां से रिफ्रैक्ट होके आपके आइज पे जा रही है। और अब हमारे ब्रेन को क्या लगता है कि लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो ये इन दोनों लाइन्स को जब इसके पीछे स्ट्रेट लाइन में ट्रेस करेगा तो ये कुछ यहाँ पर आके, या अगर आप वेसल को थोड़ा और इसकी डायमेंशन बढ़ा दें तो ब्रेन के अकॉर्डिंग ये दोनों लाइट्स कुछ इस पोजीशन से आ रही होंगी। ठीक है, तो आपके ब्रेन को ये क्वाइन थोड़ा इस पोजीशन पे दिखाई देगा। ठीक है, ये इट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट डायग्राम, पर आप समझ सकते हैं कि बाउंड्री पे जाते ही लाइट बेंड हो जाती है, तो उस बेंडिंग के बाद अगर आप उसको स्ट्रेट लाइन में पीछे की तरफ कनेक्ट करें तो वो किसी हायर पॉइंट पे जाके मिलेंगी। तो एक्चुअल क्वाइन यहाँ था, आपको क्वाइन थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है, तो ये रीज़न है कि यहाँ पर खड़े होके भी अभी भी आपको क्वाइन दिखाई दे रहा है। और अगर पानी हटा दिया जाए यहाँ से तो क्या होगा, सडनली पानी खाली कर दिया जाए तो ये इस तरह की बेंडिंग नहीं होगी, लाइट को स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना पड़ेगा। तो अब अगर ये लाइट स्ट्रेट लाइन में जाएगी तो ये यहाँ पर रुक जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बकेट से आगे नहीं जा सकती। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट है जिसको आप घर पे इजीली परफॉर्म कर सकते हो और रिफ्रैक्शन को रियल टाइम में एक्सपीरियंस कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, नेक्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्टिविटी 10.9।